अनुराग जी का जो चल रहा है वो भी फॉलो कर रही हूँ। लोग थे वो डे बाय डे या तो परेशान हो गए या कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सोनिया जी वेट, यहाँ पे देखिए सोनिया जी वेट, क्या तिल है सामने सामने सोनिया जी सामने। एक मिनट, बाइक बाइक से ले फर्स्ट ऑफ ऑल मैम बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अभी भी ऑडियंस चाहती है कि सोनिया मैम फिर से बिग बॉस में जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सब ऑडियंस आपकी कमबैक का वेट कर रही है, उन सभी को? है ना, मैं क्या बोलूँ कि मैं उतना मेरा अभी इंटरेस्ट है नहीं बिग बॉस का, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है और मैं काम कर रही हूँ, अभी तो आने बाकी हैं। बिग बॉस ही एक चीज़ थोड़ी ना रह गई है, अभी तो बहुत सारा काम करना है। वो तो एक स्टार्टिंग था, तो वो पसंद आया और कुछ ऐसा होता है तो देव बताते हैं जी। बिल्कुल, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स जी बिल्कुल, बिग बॉस से ही आपके काफ़ी फैन फॉलोइंग भी बढ़ गए हैं, तो अगर जैसे अगर आपको मौका मिला तो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट में जाने का, तो किस तरीके से आप अपना गेम इस बार ये करी, क्योंकि अभी हाल ही में और ही भी अंदर गए थे तो वैसे फनी तो था वो जी, पर वो दो एक दो दिन के लिए गया, वो मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको रह के थोड़ा सा गेम तो नहीं चेंज कर पाता डेफिनेटली, बट थोड़ा इंटरटेनिंग तो कर ही सकता था मेरा वो। आपका गेम इस बार अगर आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री लिया जाए तो किस तरीके से आप अपने गेम खेलेंगे और किसके साथ, क्योंकि आप अभी बाहर से देख रही है तो आपको पता है कि किसके साथ? देखो गेम ऐसा नहीं होता कि हाँ मैं ऐसा कुछ टारगेट लेके जाऊंगी कि नहीं मैं इसी पे एक चार्ज करने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो चार्जिंग सब पे ही होगा, क्योंकि डे बाय डे जो गलतियाँ करेगा तो डेफिनेटली उसको एक नया रूप देखने को मिलेगा। ऐसे हम किसी के कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग का तो अलग ही है, जो प्लानिंग करके जाते हैं वो कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ मैं पहुँचूंगी वहीं चार्ज होगा। अभी आप बाहर आने के बाद बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? बहुत फॉलो कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा काम था तो बस बिजी हो गई थी, बट कर रही हूँ थोड़ा, जहाँ पे भी मिलता है। अभी अनुराग जी का जो चल रहा है वो भी फॉलो कर रही हूँ, जरा परेशान हो गया अंदर जाके। कुछ नए चेहरे नजर आए कि अंदर मेरे साथ कुछ और, जब बाहर जब आने का देख रहे तो लग रहा है ऐसा कुछ यार ये ऐसे भी थे, मुझे तो रियलाइज नहीं हुआ इनके साथ रहने के बाद? ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो डे बाई डे या तो परेशान हो गए या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब डाउन हो गए, उनको एनर्जी देने के लिए कोई जाना चाहिए, मतलब मेकर्स को कोई डालना चाहिए अच्छा। एंड जो इस टाइम ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है हैशटैग सोनिया कमबैक करके, उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? मैं ट्विटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे चलाना ही नहीं आता, इनफैक्ट इंस्टाग्राम चलाना आता है, जितनी भी रील्स वगैरह आती रहती है तो मैं देखती रहती हूँ, मुझे पहले से ही नहीं चलाना आता, अभी भी कोई मैनेज कर रहा है मुझे नहीं पता, मुझे ट्विटर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। लेकिन फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो सही में इंतजार करें आप फिर से जाए, वो कहीं ना कहीं आप उन्हें नाराज़ करें? हाँ, नहीं जाकर के क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नाराज़ तो नहीं करना चाहती डेफिनेटली, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर हूँ तो उन्हीं की बदौलत हूँ, तो मैं डेफिनेटली नाराज़ नहीं करना चाहती। कुछ कम बैक हुआ तो डेफिनेटली उनको भी अच्छा लगेगा, और ऐसा कुछ नहीं भी हुआ तो डेफिनेटली और भी कुछ आ रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं तो उनको तो देखने को हर जगह मिलती है। लेकिन बिग बॉस की एक परंपरा है कि जो भी कंटेस्टेंट बाहर आता है उसका कोई ना कोई गाना ज़रूर आता है, आपकी तरफ से ऐसा कुछ है क्या सॉन्ग? मेरा शूट हो चुका है, अभी रिलीज पे है। कब आ रहा है? अभी मैं डेट कैसे बता सकती हूँ, वो भी लोगों का ही रहता है कब रिलीज करना है कब क्या करना है, तो अभी चल रहा है, अभी तो प्रोजेक्ट भी आने वाले। मैं ज़्यादातर फिल्मों में इंटरेस्ट लेती हूँ, सलमान सर देंगे कुछ तो फिर डेफिनेटली अलग ये मांगे पूरी हो गई। हाँ मतलब वो ट्रेंडिंग में चले तो अच्छी बात है कि भाई सोनिया को ये होना चाहिए, तो ये तो मुझे पता नहीं कि कुछ ट्रेंडिंग वाला कुछ मुझे सिस्टम नहीं पता होगा। अब लास्टली फैंस ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि कम बैक हुआ तो मेरा एक नया रूट मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ फाइनली वैसे, क्योंकि जब कोई नहीं समझता है उस चीज़ को और गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि चार्ज करना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं ना बहुत डल हो चुके हैं उसमें, चले ये सोच रहे हैं मैं निकल जाऊँ मेरा गेट खुल जाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मेरे लिए इंटरटेनिंग, मतलब उन लोगों के लिए इंटरटेनिंग होगा कुछ ना कुछ,
थोड़ा सा करूँगी, जगाऊँगी, ऐसे मत करो। आप लोगों की वजह से देखो ना ऑडियंस कितना देखती है, उस बिग बॉस को कितना फॉलो करती है। मतलब मैं तो 2 ही हफ्ते थी और उस 2 हफ्ते में मुझे इतना क्रेज मिल रहा है, तो वो लोग को लिए तो अच्छा ही चीज़ है, बट वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि बाहर निकल के देखेंगे तब क्या गलती की क्या नहीं, वो तब समझ में आएगा। और मैं गई तो डेफिनेटली वो अलग चीज़ें होंगी, फिर पता चलेगा। थैंक यू सो मच।